हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा इंडिया। फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। पिछले साल अधिकतर बॉलीवुड स्टार्स और उनकी फिल्मों को थिएटर्स में उस तरह का प्यार नहीं मिला जैसा कुछ साल पहले मिला करता था। लेकिन इंडस्ट्री को कम ही पॉजिटिव चीजें देने वाले साल में जिस एक स्टार ने सभी के दिलों पर राज किया है वो कार्तिक आर्यन थे। कार्तिक के भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ रुपए से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया। पिछले कई साल से लगातार मेहनत कर रहे कार्तिक के लिए 2022 ब्रेकआउट साल रहा और उनके स्टारडम का लेवल ही अलग बन गया। भूल भुलैया 2 की धुआंधार कामयाबी की परछाई में कार्तिक की नई फिल्म शहजादा बीते शुक्रवार थिएटर्स में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को ये नजर आ रहा था कि शहजादा उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही जिससे बड़ी हिट बन पाए। ओपनिंग वाले दिन शुक्रवार को फिल्म ने सिर्फ 6 करोड़ रुपए का ओपनिंग कलेक्शन किया। शनिवार को भी बॉक्स ऑफिस पर शहजादा को कोई खास ग्रोथ नहीं मिली और फिल्म सिर्फ 6 करोड़ रुपए ही कमा सकी। कार्तिक के ताज़ा पक्के हुए स्टारडम को देखते हुए किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन में शहजादा 13 करोड़ से कम कमाएगी, जबकि भूल भुलैया 2 ने पहले ही दिन 14 करोड़ रुपए कमाए थे। 2 दिन की सुस्ती के बाद रविवार से फिल्म को कुछ बेहतर कमाई की उम्मीद थी, मगर आंकड़े बता रहे हैं कि शहजादा 3rd दिन भी फ्लैट ही रही। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।